नमस्कार, आप देख रहे हैं आठभट न्यूज। खबर पटना सिटी से है। पटना सिटी के अगमकुआं थाना क्षेत्र के महारानी कॉलोनी पहाड़ी रोड में बीते देर रात बाइक सवार हथियारबंद अपराधियों ने एक इलेक्ट्रिक कारोबारी को पिस्तौल का भय दिखाकर 2.5 से 3 लाख नगद रुपए, सोने का चैन और अंगूठी लूट लिए। घटना को अंजाम देने के बाद हथियारबंद अपराधी मौके से फरार होने में सफल हो गए। पीड़ित कारोबारी के द्वारा घटना की जानकारी पुलिस को दिए जाने के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पूरे मामले की जांच की। अज्ञात अपराधियों के पहचान को लेकर पुलिस ने दुकान में लगे सीसीटीवी फुटेज को भी अपने कब्जे में ले लिया। यह है कि 8:45 में दो व्यक्ति आए गाड़ी से, गाड़ी बाहर लगाए, अंदर गए, अंदर दोनों पिस्टल खटाखट निकाले और गर्दन में सटा दिए, गर्दन में सटा दिए। उसमें दुकान पे 3 व्यक्ति थे, एक हम दो, एक स्टाफ, एक फ्रेंड। वो दोनों को एक रूम में ले जाके बंद कर दिए, ले जाके वहाँ पर निगरानी में रखे पिस्टल से सटा के। और मेरे पास आए तो अंगूठी, एक सोना का चैन, ये उतरने के बाद फिर हमको भी रूम में ले जा करके पिस्टल सटा के निगरानी में रखे। उसके बाद गल्ला में 2.5 से 3 लाख रुपया था, वो अब गमछी में लपेट के और वो भागते गए। क्या लगता है कि पेशेवर अपराधी टाइप का रहा जो आपके साथ इस तरीके से किया, क्या महसूस किया? अपराधी तो पेशेवर ही था, चूँकि बहुत इंटेलिजेंट टाइप का आदमी आया, नहीं तो पहले वो बहुत काम कर चुका होगा, उस टाइप का है। कुल कितने लोग थे? वो लोग 2 लोग थे। क्या चीज़ से आए थे? अपाची बाइक से आए थे। क्या नाम हुआ आपका सर? विनोद कुमार। दुकान का क्या नाम है? पंकज इलेक्ट्रिक। पंकज इलेक्ट्रॉनिक का दुकान है, शिमला मंदिर आ रहा हूँ। करीब 9 बजे दो व्यक्ति आए और एक कस्टमर बनकर आकर उनके साथ जो है गले से पैसे लेने की बात बताई जा रही है, और उनके गला में एक सोने की चैन पहनी हुई थी, उनको लेने की बात बताई जा रही है। हम लोग इस संदर्भ में अनुसंधान कर रहे हैं, आगे जो भी अपडेट होगा बताया जाए सब मिल जाएगा। पंकज इलेक्ट्रॉनिक के वो मरानी कॉलोनी के रहने वाले हैं। क्या कुछ जांच में कुछ सामने आई है सर? अभी फिर फर्दर अनुसंधान में जो भी बात आएगी आपको बताया जाएगा। कितने अपराधी हैं सर? 2 व्यक्ति।